कच्छ, माशापुरा की गोद में बसा हुआ शहर कच्छ, गुजरात की धन्य धरा की लोक संस्कृति को अपने अंदर जीवित रखे हुए शहर वो है कच्छ। जहां इतिहास और खूबसूरती का अद्भुत संगम देखने को मिले वो शहर है कच्छ। तो आइए चलते हैं कच्छ के एक बहुत ही सुहाने सफर के ऊपर। तो अब हमने सफर तो शुरू कर दिया था, लेकिन किसी भी सफर की शुरुआत से पहले माँ का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। तो हम पहुँच गए माता के मठ श्री माँ आशापुरा का चरणों के आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये मंदिर लखपत तालुके का एक छोटे से गाँव माता के मठ नाम के गाँव के अंदर ये मंदिर बसा हुआ है, जहाँ जाने के लिए आपको सरकारी बस भी मिल जाएगी। माता जी के मंदिर से पहले ये मेन बाजार आता है और उसके बाद आता है मंदिर का एक भव्य सुंदर गेट। तो मैं आपको बता दूं कि मंदिर के अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है, जिस वजह से मैं माता जी की मूर्ति की वीडियो आपके दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको ज़रूर एक फ़ोटो ज़रूर दिखा सकता हूँ। माता जी की मूर्ति बहुत ही आकर्षक और सुंदर है। तो जैसे मंदिर के बाहर आ रहे थे तो मंदिर इतना भव्य था कि मुझे एक आश्चर्य हुआ कि इस मंदिर के पीछे ज़रूर कोई कहानी छुपी है। और वो कहानी कुछ इस तरह थी कि एक मारवाड़ देवचंद नाम का एक व्यापारी था जो व्यापार के लिए यहाँ वहाँ घूम रहा था। तो जिस जगह अभी मंदिर है वहाँ उस टाइम नवरात्रि चल रही थी, तो इस ब्राह्मण ने माता जी की एक मूर्ति का स्थापना किया और भक्तिभाव से माता जी की आराधना करी। तो माता जी इस व्यापारी की भक्ति से प्रसन्न हो गए और उसके सपने में आकर कहा कि जहाँ पे जिस जगह तुमने मेरी मूर्ति की स्थापना करी है उस जगह तुम एक भव्य मंदिर का निर्माण करो। तो व्यापारी खुश हो गया और वो माता जी के मंदिर की सेवा के अंदर लग गया और उसने भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया। लेकिन माता जी ने कहा था कि 6 मास तक इस मंदिर के दरवाजे नहीं खुलने चाहिए। तो व्यापारी ने 5 महीने तक सेवा करी, आराधना करी, लेकिन 5 महीने बाद उस मंदिर के गेट के पीछे से कुछ मधुर संगीत और आवाज़ें आने लगी। तो व्यापारी सुनकर खुश हो गया तो उसने गेट खोल दिया। तो जैसे उसने गेट खोला तो उसको माता जी की भव्य मूर्ति का दर्शन हुआ, लेकिन उसे याद आया कि माँ ने कहा था कि 6 मास तक दरवाजे नहीं खुलने चाहिए। उसने 1 मास पहले ही दरवाजे खोल दिए थे, तो उसी वजह से माता जी की जो मूर्ति है वो अर्धविकसित रह गई और आज भी वो मूर्ति अर्धविकसित है। वैसे कहानी तो बड़ी लंबी है और अगर आपको देखनी है तो मैं हिंदी और गुजराती वीडियो की लिंक नीचे आपको दे दूंगा, जहां से आप पूरी कहानी देख सकते हैं। वरना मैं अगर पूरी कहानी कहने को बैठूंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे और मज़ा नहीं आएगा। फिर माँ के आशीर्वाद लेने के बाद पहुंच गए और एक ऐतिहासिक जगह के सफ़र के लिए। तो हमें इस दूसरी ऐतिहासिक जगह देखने के लिए भूत से तकरीबन 21 किलोमीटर दूर केरा गाँव के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे है 9वीं सदी के अंदर बनाया गया हुआ लाखेश्वर महादेव मंदिर, जो कि कपिल कोट के रूलिंग जो राजा थे लाखो फुलाणी उसने बनवाया था, इसलिए इस मंदिर का नाम लाखेश्वर महादेव है। और लाखो फुलाणी की अगर मैं कहानियों की बात करने बैठूंगा तो ये मंदिर का इतिहास रह जाएगा और उनकी कहानियाँ ख़त्म नहीं होंगी, तो उसके लिए आपको कहीं और सर्च करना पड़ेगा। और लाखो फुलाणी का एक स्टैचू भी गाँव के 4 रास्ते पे लगाया गया है घोड़े के साथ, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मंदिर की। तो मंदिर के अंदर आप शिव भगवान का एक शिवलिंग देख सकते हैं और मंदिर जो आपको दिख रहा है आपको बहुत ही जर्जरित हालत के अंदर दिख रहा होगा, लेकिन उसके पीछे भी एक कहानी है। ऑफकोर्स कच्छ है तो कहानियाँ तो होंगी। तो कहानी इस तरह है कि मंदिर तो 9वीं सदी के अंदर बनाया गया था, लेकिन इसके अंदर कोई भी एडहेसिव मटेरियल यूज़ नहीं किया गया, मतलब कोई भी सीमेंट या ऐसा कुछ मटेरियल यूज़ नहीं किया गया, सिर्फ पत्थरों से इस मंदिर को लॉक करके पूरा मंदिर की रचना तैयार की गई है। और उसकी जो कला कारीगरी है वो बहुत ही अद्भुत और रमणीय है। वैसे तो ये मंदिर बहुत ही एकांत और सुनसान लगता है और मंदिर की हालत ऐसी लगने का एक कारण ये भी है कि कच्छ के अंदर भूकंप आया था और इस भूकंप की वजह से इस मंदिर की हालत ऐसी हो गई है, लेकिन मंदिर की विशेषताएं अभी ख़त्म नहीं हुई। मंदिर के जो पीछे परिसर है वहाँ पे एक जाली रखी है और उस जाली के अंदर से सूर्य का प्रकाश आता है और उस प्रकाश से पूरा मंदिर प्रकाशित रहता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप मंदिर विजिट करें।
और अगर आपको इतिहास के अंदर जानकारी रखने का शौक है तो आप ये मंदिर ज़रूर विज़िट करिएगा। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट के अंदर भी बता सकते हैं, तो मैं आपको जितनी भी जानकारी हो सकेगी वो मैं आपको ज़रूर दूंगा।